only they conquer who believe that they can conquer. अर्थात जीत उन्हीं को हासिल होती है जो पहले से ही जीत हासिल करने की तमन्ना रखते हैं, जो हारने की तमन्ना रखते हैं. only they conquer, केवल वही जीतते हैं who believe, जो इस बात में विश्वास करते हैं they can, कि वो जीत सकते हैं. अगर मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत, यदि हम अपना मन बना लें कि हमें जीतना ही है तो हम जीते हुए हैं, और अगर हम सोच लें कि हम हार जाएंगे तो फिर हारे हुए हैं. आज जो मेरा टॉपिक है वो है वेदर और नॉट. हिंदी होती है चाहे या ना. अर्थात ये जो सेंटेंस है, ये जो शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण है. क्यों? अभी मैं जब हिंदी से अंग्रेजी बना करके आपको उदाहरण बताऊंगा तब आपको पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत ज्यादा है, और अंग्रेजी बोलने में तो उससे भी ज्यादा है. चाहे हम अमीर हों या गरीब, हम सभी को मरना है. ये सेंटेंस है, चाहे हम अमीर हों या गरीब, हम सभी को मरना है. इस सेंटेंस को देखें, चाहे शब्द इसके पहले ही लगा हुआ. चाहे शब्द की अंग्रेजी बनेगी वेदर. वेदर माने मौसम भी होता है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में बहुत ज्यादा अंतर है. W H E T H E R, ये चाहे की है, और मौसम की है W E A T H E R. दोनों में अंतर है, वेदर माने मौसम. तो इसमें W H E T H E R लगेगी. चाहे हम अमीर हों या गरीब, वेदर वी आर रिच और पुअर, वी ऑल मस्ट डाई. दो सेंटेंसेस हैं, ये एक नहीं है, दोनों के बीच में कॉमा लगता है. चाहे हम अमीर हों या गरीब, कॉमा, हम सभी को मरना है. वेदर वी आर रिच और पुअर, कॉमा, वी ऑल मस्ट डाई. इस सेंटेंस को देखें, पहले वेदर लगेगा, यानी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो अंग्रेजी के सेंटेंस में पहले वेदर लगेगा, फिर लगेगा कर्ता यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद क्रिया आएगी सब्जेक्ट के अनुसार. सब्जेक्ट जैसा होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल ही होगी. वेदर वी आर रिच और पुअर, अमीर हो या गरीब, वी ऑल मस्ट डाई, तो दोनों के बीच में कॉमा लगेगा और इस प्रकार से और का प्रयोग होगा, यानी वेदर वी आर रिच और अमीर हो या गरीब, तो दोनों में या है इसलिए और का प्रयोग होगा, ओ आर और. अगला सेंटेंस है, हम हिंदू हो या मुसलमान. तो जब भी ये हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, तो दोनों के बीच में या शब्द आया है. यहां भी या की अंग्रेजी और ही बनेगी, दोनों के बीच में ही लगेगी. वेदर वी आर हिंदूज, चाहे हम हिंदू हो, वेदर वी आर हिंदूज और मुस्लिम्स, मुसलमान हो. तो हिंदी में भी देखें आप, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के बीच में या शब्द का प्रयोग हो रहा है, या की अंग्रेजी होती है और, ओ आर, तो इसमें दोनों के बीच में ही ओ आर भी लगेगा. वेदर वी आर हिंदूज और मुस्लिम्स, वी आर ऑल इंडियंस, ये सेंटेंस के अनुसार बनेगा, इसमें इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं है. इस सेंटेंस के अनुसार अंग्रेजी बन जाएगी, हम सभी भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस. अब अगला देखें सेंटेंस, चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे. अब इस प्रकार का जो सेंटेंस है उसमें नॉट लगेगा और के बाद, पहले वालों में नहीं लगेगा, ये नेगेटिव है, इसमें लगेगा. आई विल गो टू हिम, नॉट का प्रयोग हुआ है तीसरे सेंटेंस में. चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे, मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा. वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट,
चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे, तो वेदर का प्रयोग होगा ही होगा, फिर कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर मी और नॉट, यही लगेगा, मेरी मदद करे ना करे। आई विल गो टू हिम, मैं उसके पास जाऊंगा, उसके पास अवश्य जाऊंगा। आई के आगे शैल लगने पर पक्का पर नहीं होता, श्योर नहीं होता, लेकिन आई के आगे बिल लग जाए, और वैसे साधारण तौर पर मॉडर्न जमाने में आई के साथ विल का ही प्रयोग होता है, लेकिन बोलने में लिखने में दोनों का प्रयोग होता है, शैल और विल दोनों का प्रयोग होता है। तो यदि बात पक्की नहीं है कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पक्का है कि जाऊंगा, तो लिखित में आएगा आई विल गो, आई शैल गो नहीं आएगा, मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। तो यहां अवश्य की अंग्रेजी लगाने की जरूरत ही नहीं है, आई विल गो टू हिम, मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा, इतना ही काफी है। चाहे वह क्षमा याचना करे या ना करे, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। वेदर ही आस्क पार्डन और नॉट, चाहे वह क्षमा याचना करे या ना करे, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। तो ये साधारण सेंटेंस होने के कारण बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा कि ये होता है, आई शैल पार्डन हिम, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। शैल लगा हुआ है इसमें, ये देखा है कि इसमें शैल लगा हुआ है, उसमें विल लगा हुआ था, तो इसमें इतना पक्कापन नहीं है। चाहे तुम्हारे पास धन हो या नहीं, तुम्हें बिल तो चुकाना ही पड़ेगा। वेदर यू हैव मनी और नॉट, चाहे तुम्हारे पास धन हो या नहीं, तुम्हें बिल तो चुकाना ही पड़ेगा। यू शैल हैव टू पे द बिल, यू शैल, यू के साथ शैल आ रहा है, ध्यान दें, यू के साथ जनरली विल आता है, लेकिन जब अवश्य कोई कार्य होता है तो यू के साथ भी शैल लगता है। यू शैल हैव टू पे द बिल, तुम्हें बिल तो चुकाना ही पड़ेगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस में शैल का प्रयोग ही के साथ, आई वी दोनों के साथ शैल लगता है, लेकिन आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो सकता है जब पक्का हो, और बाकी के साथ शैल का प्रयोग हो सकता है जब बात पक्की हो। अब इसमें देखें दो वाक्य हैं, पहले में तो शर्त लग रही है और दूसरे वाक्य में शर्त नहीं है, दोनों के बीच कॉमा लगेगा। दूसरा पहला तो ये बता रहा है शर्त, और दूसरा परिणाम बता रहा है, हम सभी को मरना है, चाहे अमीर हो या गरीब, हम सभी को मरना है, परिणाम बता रहा है। तो पहले में तो शर्त है और दूसरे में परिणाम, और दोनों के बीच कॉमा। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को वेदर लगा करके बनाते हैं, ईदर लगा करके ये सेंटेंस कभी नहीं बनते, ईदर और ये वेदर से ही बनते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस वेदर से ही बनते हैं। तो यदि आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।